नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है मुख्यमंत्री। इसमें हम बात करते हैं हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की, जिसमें अभी तक आपने देखा इस क्षेत्र से जुड़े कई नेताओं ने हरियाणा को नया राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी, जिसके बाद 1 नवंबर 1966 में इस राज्य का गठन हुआ। पहले चुनाव से ही हरियाणा की राजनीति में चालें चली जाने लगी थी। सरकारों के बनते ही उनके गिरने के कयास लगाए जाने लगे थे। राज्य में दूसरा चुनाव हुआ तो कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आ गई और अब राज्य के मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसी लाल, जिन्होंने राज्य को एक स्थिर सरकार भी दी और उनके शासनकाल में हरियाणा का खूब विकास भी हुआ। लेकिन उन पर निरंकुश होने के आरोप भी खूब लगे। उनके शासन में किसी को भी उनके विरोध की इजाजत नहीं थी। इस दौरान उन्होंने उन सभी नेताओं से रिश्ते खत्म कर लिए थे जिन्होंने उनके मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी। ये चुनाव हुए जब 68 में ना सरकार बड़ी मन चाही, यो बन गया सीएम सूत बैठा के ना कोई करी भलाई। चुनाव होए जब 68 महीना सरकार बनी मन चाही, जो बन गया सीएम सूत बैठा के ना कोई करी भलाई। भले ही चौधरी बंसीलाल ने विरोधियों के साथ साथ पत्रकारों और जनता के एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया था, लेकिन राजनीति की चालें चलना उन्हें खूब आता था। खुद चौधरी बंसीलाल का मानना था कि एक राजनीतिज्ञ को हमेशा 3 कामों में व्यस्त रहना चाहिए। पहला, क्षेत्र का विकास करने में, दूसरा, राजनीति की चालें चलने में, और तीसरा, विरोधियों का शिकार करने में। वैसे चौधरी बंसीलाल की कामयाबी के पीछे एक कारण और भी था। वो सिर्फ आला कमान को खुश रखना ही नहीं जानते थे, बल्कि उनके लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार हो जाते थे। कुछ ऐसा ही किस्सा तब हुआ जब हाईकोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश ने श्रीमती इंदिरा गांधी के एक निजी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन न करने पर आपत्ति जाहिर की। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने पत्र तो लिखा पंजाब सरकार को, लेकिन जवाब दिया चौधरी बंसीलाल ने। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरकार, 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हिमाचल प्रदेश में एक उद्घाटन समारोह में भाग लेने गई थी, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। मुझे पता चला है कि ये एक प्राइवेट फंक्शन था और प्रोटोकॉल के तहत एक प्राइवेट फंक्शन में चीफ जस्टिस को आमंत्रित नहीं किया जाता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में जिस तरह से प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, पंजाब सरकार ने उस तरीके से नहीं किया। मुझे भी आपको बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बाद रैंक में चौथे स्थान पर आता है। श्रीमान बंसीलाल जी, मैंने ये पत्र पंजाब सरकार को भेजा था और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से जवाब की अपेक्षा भी नहीं कर रहा था। जब आपको मुझसे जवाब ही नहीं चाहिए तो पत्र की कॉपी क्यों मुझे भेजी गई थी? इन्हीं सब वजहों से चौधरी बंसीलाल आला कमान के बहुत नजदीक हो गए थे। संजय गांधी के तो ये सबसे खास मित्र माने जाते थे। मित्रता तो होनी ही थी, दोनों की सोच जो एक जैसी थी। सिर्फ इनाम से ही काम नहीं चलेगा बंसीलाल जी, हमें उसे यहाँ कानून भी बनाना पड़ेगा। कानून बनवाना है, कानून बनवा लीजिए, लेकिन काम तो यहाँ डंडे से ही होना है। सही कह रहे हो बंसीलाल जी,
यहाँ के लोगों को अंग्रेजों की आदत पड़ी हुई है, लोकतंत्र में रहने के आदी नहीं हुए हैं। अब इसमें इनका कसूर भी नहीं कह सकते। अब जनता को जैसे नेता मिलेंगे वैसी तो वो बनेगी। अब बच्चे को बड़े अगर अनुशासन नहीं सिखाएंगे, उनकी जिदें पूरी करेंगे, तो वो तो अपनी मनमर्जी ही करेंगे। अब कोई चाहे या ना चाहे, हमें इस देश को आगे ले जाना है। लोकतंत्र के बहाने हम यहाँ की जनता को अनुशासनहीन नहीं होने दे सकते। मैं तो कहता हूँ सब कुछ आप अपने हाथ में ले लीजिए। मैडम काफी अकेली पड़ गई थी, बाकी नेता काफी परेशान कर रहे थे, कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। अब इस सरकार का कोई काम नहीं रुकेगा, अब कानून बनेंगे और उनका पालन भी होगा। और जो ना मानेगा उसके लिए पुलिस का डंडा तैयार रहेगा। बिल्कुल बंसीलाल जी, अब विकसित देशों में भारत का नाम भी होगा। निरंकुश राज करने के जो आरोप चौधरी बंसीलाल पर लग रहे थे, उससे भी ज्यादा बड़े आरोप तो उन दिनों श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर लग रहे थे। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को लेकर एक तरफ अदालत और सरकार में टकराव जोरों पर था, तो दूसरी तरफ सरकार के एक नए संविधान संशोधन से भी जनता में काफी आक्रोश फैला हुआ था, जिसके अनुसार सरकार किसी भी नागरिक की निजी संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर सकती थी। ऐसे कई कारणों की वजह से पूरा देश उन दिनों कई आंदोलनों से गुजर रहा था, जिसमें से एक आंदोलन था गुजरात में छात्रों द्वारा छेड़ा गया नव निर्माण आंदोलन, जिसकी वजह से केंद्र को चिमन भाई पटेल की सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। उन दिनों बिहार में भी राज्य सरकार के खिलाफ एक ऐसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके नेता थे जयप्रकाश नारायण। यह छात्र आंदोलन जल्दी ही पूर्ण आंदोलन में बदल गया। राज्य के कई वर्गों का इन्हें समर्थन मिला, जिसके बाद इसका असर बिहार के बाहर के प्रदेशों में भी खूब देखने को मिला। इसके अलावा रेलवे की हड़ताल ने तो सरकार को झकझोर कर रख दिया। आजादी के बाद का ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन पीक पे था और विशेष तौर से यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, कॉलेज के छात्रों ने उसकी बागडोर संभाली हुई थी। उनके कहने पे सभी छात्रों ने यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को फीस देनी बंद कर दी थी, किसानों ने बिजली के बिल देने बंद कर दिए थे, हरियाणा देना बंद कर दिया था। उनका असहयोग आंदोलन था और उस असहयोग आंदोलन में पूरे देश में भड़क चुका था। और इन सब विरोधों के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जब एक फैसला आया तो इंदिरा गांधी की मुश्किलें और भी बढ़ गई। 1972 में इंदिरा गांधी ने जब रायबरेली सीट का चुनाव जीता था तो उनकी इस जीत में कई सवालिया निशान थे, जिसकी वजह से राजनारायण इस मुद्दे को लेकर इलाहाबाद कोर्ट चले गए थे। इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि चुनाव अधिकारी यशपाल कपूर ने इंदिरा गांधी के लिए एक शामियाना लगवाया था, जो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इस आधार पर 1974 में अदालत का फैसला आया, जिसके अनुसार इस सीट का परिणाम रद्द कर दिया गया। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में एक संशोधन करके प्रधानमंत्री को अधिकार तो दे दिया कि वो अदालत के फैसलों को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन जनता में बढ़ते असंतोष को वो नजरअंदाज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पूरे देश में अंतरिम आपातकाल की घोषणा कर दी गई। क्या हुआ जब देश में आपातकाल लगा? हरियाणा की राजनीति को आपातकाल ने किस तरह प्रभावित किया? देश की राजनीति से जुड़े उस काले इतिहास की कई खास बातें हम आपको बताएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, फसलें हिले जब मगन मगन, गोपाराई मोटर स्टार्टर, अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है मुख्यमंत्री। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे चौधरी बंसीलाल के शासन की। भले ही इस समय हरियाणा में चौधरी बंसीलाल के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन केंद्र की राजनीति एक बहुत बड़ी करवट ले रही थी और जल्द ही देश के सामने वो समय आने वाला था जिसे भारतीय लोकतंत्र में अभी तक का सबसे खराब समय माना जाता है, जब पूरे देश में आपातकाल लगा था। एक तरफ विपक्षी पार्टियां और कई संगठन देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ पार्टी में भी उनके खिलाफ एक नया विरोधी वर्ग खड़ा हो गया था। लेकिन इनमें एक आवाज थी हरियाणा के नेता प्रोफेसर शेर सिंह की। उन्होंने अपने घर पर नेताओं की बैठक बुलाई जिनमें चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धुरिया और रामधन जैसे 43 सांसदों ने भाग लिया। लेकिन इससे पहले कि ये नेता कोई एक्शन ले पाते, श्रीमती इंदिरा गांधी को इस मीटिंग की पूरी खबर मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत पूरे देश में धारा 352 लगा दी, जिसके अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकार, संसद और चुनावों को निलंबित कर दिया गया। देश चलाने के सारे अधिकार प्रधानमंत्री को दे दिए गए और एक ही दिन में देश की 8 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। ये उसी लेटर की कॉपी है और ये वो कॉपी जिसने इस सिफारिश को मंजूरी दी। देश में आपातकाल लागू होते ही कई गिरफ्तारियां की गईं। उनमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक मेहता और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता ही नहीं बल्कि छात्र नेता, आर्य समाज जैसी कई संस्थाओं से जुड़े लोगों को जेल में डाल दिया गया। इनमें वो 8 सांसद भी थे जिन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह के घर पर श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ मीटिंग में भाग लिया था। देश भर की जेलें नेताओं से भर गईं। चौधरी बंसीलाल के लिए तो ये अपने विरोधियों से निपटने का सुनहरा मौका था और हरियाणा के कई नेता जेल में पहुंच गए, जिनमें चौधरी देवीलाल, डॉक्टर मंगलसेन, रघुवीर हुड्डा, संत हरिद्वारी लाल, मनीराम बागड़ी, ओम प्रकाश चौटाला, बाबू मूलचंद जैन जैसे कई नेता शामिल थे। चौधरी बंसीलाल इमरजेंसी के बाद लगने के बाद वो केंद्र में मंत्री बन गए और यहाँ पे उन्होंने बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया था। बनारसी दास गुप्ता की उनके आगे कुछ नहीं चलती थी और यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में उन्होंने अपने चांद के सिक्के चलाए। इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार से देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल भिजवाने का काम किया, जिनमें से आप खुद ही देख लो, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे लोगों, जैसे नेताओं को जेल पहुंचवाने का काम किया और तरह तरह की उनको यातना देने का काम किया। आप इस बात को भली प्रकार समझते होंगे कि जब वो देश के सत्र पे देश के मंत्री थे और यहाँ उनकी तूती बोलती थी, हरियाणा में कोई उनके बिना कोई काम बनता ही नहीं था और पत्ता तक भी नहीं हिलता। जब तक देश में आपातकाल रहा, हरियाणा के कई बड़े नेता जेलों में रहे। खबरों पर नियंत्रण रखने के लिए कई प्रकाशकों की बिजली काट दी गई। सरकार के खिलाफ लिखने वाले समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों से वंचित कर दिया गया। इस तरह मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया। वैसे आपातकाल लगाने का निर्णय इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने रातों रात भी नहीं लिया था। इस दिन की तैयारी तो काफी पहले ही कर दी गई थी। माना जाता है कि इस दिन से काफी पहले ही संजय गांधी, इंदिरा गांधी और चौधरी बंसीलाल के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई थी जिसमें अंतरिम आपातकाल का प्रारूप पहले से ही तैयार कर लिया गया था। बंसीलाल एक मजबूत नेता थे और बंसीलाल की अपनी खासियत भी थी। आप जो भी कहें बंसीलाल के बारे में कहा जाता है कि इमरजेंसी में उन्होंने बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई, उनको उसका पुरस्कार भी मिला, वो संजय गांधी के बड़े करीब थे और डिफेंस मिनिस्टर भी बनाए गए, तो एक तरह से काफी कुछ जुड़े हुए थे। उनका नाम आता है, सिद्धार्थ शंकर का नाम आता है, जो कि बड़े एक आपके वो
कांग्रेस की आंतरिक कलह को देख करके सो उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पे इमरजेंसी लगाई और तब एक नारा चलता था, इमरजेंसी के तीन दलाल संजय शुक्ला बंसीलाल जितने उनके खिलाफ कमीशन बैठे कोई कमीशन उनको गिल्टी होल्ड नहीं कर पाया, कोई उनके खामियां नहीं कर पाया। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, जस्टिस शाह जब इमरजेंसी की बातें कर रहे थे तो उसमें हरियाणा जब टेकअप हुआ और वो गए तो हरियाणा गवर्नमेंट की जो उसके टाइम की जो फाइलें रखी हुई थी वहाँ पर, बोले ये बहुत ज़्यादा फाइलें आ तो इनको सारा दिन यहीं बैठना पड़ेगा। तो चौधरी बंसी लाल जी ने चुटकी लेते हुए एक बात कही थी जस्टिस शाह को, कहते हैं जितनी फाइलें हैं शाह साहब आप इन पे ऑर्डर पास कर दो, मैं दस्तखत कर देता हूँ एक ही लाइन में कि जो मेरे नाम से ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर मैंने किया। मैं इतना कमज़ोर आदमी नहीं था, इतना कमज़ोर चीफ मिनिस्टर नहीं था कि मेरे नाम से कोई झूठा ऑर्डर कर दे, आप मेरे साइन करवा लो। जस्टिस शाह के कॉमेंट्स थे, कहता इस आदमी को राज करना तो आता है। ऐसे में केंद्र को चौधरी बंसी लाल की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाकर केंद्र में बुला लिया गया और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने बनारसी दास गुप्ता, जो कि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और साथ ही बंसी लाल के काफी विश्वास पात्र भी थे। कहने को बनारसी दास गुप्ता राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन फैसले लेने का काम या तो खुद चौधरी बंसी लाल कर रहे थे या उनके बेटे सुरेंद्र सिंह। राजनीति की उथल पुथल का जो हिसाब किताब बंसी लाल जी ने भी देखा, तो उन्होंने सोचा कि बावजूद इसके कभी कोई और बंदा आके बैठ जाए जो उनकी बिल्कुल ही नापसंद का हो, तो इससे भला तो ये है कि ये बनारसी दास जी को बना लिया जाए, उससे उनको ये लाभ भी हुआ और उसके इसका लाभ उन्होंने बाद में भी उठाया है। गुप्ता जी को तो बेचारों का दाव लगा हमेशा, गुप्ता जी कोई इतने बड़े नेता नहीं थे प्रदेश के कि वो मुख्यमंत्री के पद पर आशीष उस पर बैठे। बंसीलाल को केंद्र में बुला लिया तो बंसीलाल ने अपना मनपसंद व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनाना था, ये उनके डिस्ट्रिक्ट के थे और उनके साथ मंत्री थे, उन्होंने उठा करके इनका नाम प्रपोज कर दिया, अरे चीफ मिनिस्टर बन गए। मुख्यमंत्री के तौर से वो इतना कोई काम करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनकी कोई पावर नहीं थी, किस प्रकार से पावरलेस मुख्यमंत्री थे, शक्ति विहीन मुख्यमंत्री थे। उनके बारे में तो ये कहते हैं करनाल में संजय गांधी आए थे, उन्होंने जब उनकी चप्पल उठा करके खुद ही दे दी थी, और बंसीलाल के वो एक किस्म के आगे के टूल थे, उनका चौधरी बंसीलाल के सामने कोई कद नहीं था। अब बनारसी दास गुप्ता के बारे में कुछ भी कहा जाए, लेकिन भौतिक तौर पर तो चौधरी बंसीलाल की हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से विदाई हो ही चुकी थी। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा को काफी कुछ दिया, उनके शासनकाल में हरियाणा में काफी प्रगति हुई, लेकिन उनके कई फैसले विवादास्पद भी रहे हैं। बनारसी दास गुप्ता चौधरी बंसीलाल से काफी अलग थे, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि संजय गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट नसबंदी को राज्य में जबरदस्ती लागू किया जाए, जिसकी वजह से संजय गांधी को राज्य के इस नए मुख्यमंत्री से हमेशा ही ये शिकायत रहती थी कि हरियाणा नसबंदी के कार्यक्रम को लागू करने में अभी तक सबसे पीछे है। एक तरफ केंद्र सरकार पूरे जोर शोर से अपनी नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ देश में लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कैसे और किसने लड़ी ये लड़ाई? गांधी परिवार के सबसे नजदीक होने के बावजूद चौधरी बंसीलाल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना? इन सब सवालों के जवाब और इन घटनाओं का ब्यौरा लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, बस छोटे से ब्रेक के बाद। सुपर स्टाइलिश इनोवेशंस, ब्यूटिफुल फ्यूचरिस्टिक डिजाइंस, वास्ट रेंज ऑफ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, चिलीज स्टैंडर्ड प्रीमियम सैनिटरी वेयर, creation with completeness. एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है मुख्यमंत्री। हम बात कर रहे थे देश में लागू अंतरिम आपातकाल की,
आपातकाल के दौरान चूंकि मीडिया पर एक तरह से प्रतिबंध लगा हुआ था, इसीलिए खबरों से ज्यादा अफवाहें सुनने को मिलती थी। और गांधी परिवार के बाद इन अफवाहों का सबसे ज्यादा निशाना बने चौधरी बंसीलाल। कभी ये खबर आई कि बंसीलाल से सेना के कई बड़े अधिकारी नाराज हैं, इसीलिए उन्हें रक्षा मंत्री के पद से हटाकर गृह मंत्री बनाया जा रहा है, तो कभी चौधरी बंसीलाल को नजरबंद करने की अफवाह भी उड़ी, जिसकी वजह से चौधरी बंसीलाल काफी नाराज रहने लगे। वैसे कुछ खबरें ऐसी भी आई जिन्हें आज तक सच माना जाता है, जिनमें सबसे अहम थी इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बीच मतभेद की खबर। शायद श्रीमती इंदिरा गांधी को आशा थी कि बिखरा हुआ विपक्ष एक बार फिर कांग्रेस से मात खा जाएगा। इसी विश्वास के साथ उन्होंने 1977 में आम चुनावों की घोषणा कर दी, जिनसे संजय गांधी बिल्कुल खुश नहीं थे। वे चुनावों को टालना चाहते थे, लेकिन घोषणा हो चुकी थी और इंदिरा गांधी अपने निर्णय पर अटल थी। कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे तो उसकी तानाशाही और बढ़ जाएगी। वो चुनाव सिर्फ इसलिए करवा रही है ताकि वो कह सके, देखो मैं बिल्कुल सही थी, अब जनता भी मेरे साथ है। बस आपको क्या लगता है जनता उसे वोट देगी? अरे ये जनता तो पहले ही उसकी तानाशाही से दुखी है, चुनाव होने दो, देख लेना सारी जनता उसके खिलाफ वोट देगी। अरे जनता किसी के खिलाफ वोट नहीं देती, वो तो सिर्फ खिलाफत करने वाली पार्टी को ही वोट देती है। अरे उसके खिलाफ कोई एक पार्टी थोड़ी है, सारी पार्टियां हैं। और बताओ आखिर वो अपना वोट देगी किसे? समाजवादियों को, जनसंघियों को या फिर लोकदल को? भाई वोट तो बट जाने हैं और आखिर में सरकार चलाने की चाबी फिर से उसी के हाथ में आ जानी है। बात तो आप ठीक कह रहे, क्यों नहीं हम मिलकर एक पार्टी बना लेते और हम सब मिलकर जनता के सामने चलते। जब हम जेल में एक साथ रह सकते हैं, एक साथ मिलकर हम तो नहीं चला सकते। ये बिल्कुल सही बात है। जयप्रकाश नारायण जी का भी तो यही सपना है। चलिए हम सब मिलकर जनता के सामने चलते हैं और हमारी पार्टी का नाम होगा जनता पार्टी। इधर चुनावों की घोषणा हुई और उधर जेलों में एक साथ बंद विरोधी नेता मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बनाने लगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह गठबंधन हुआ तो हरियाणा में भी कई अलग अलग दल, अलग अलग विचारधाराओं के नेता पास आए। इनमें अहम थे जनसंघ के नेता डॉक्टर मंगलसेन और कांग्रेस से अलग हुए प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी चांदराम, पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी भजनलाल। ये जनता पार्टी जेलों में बनी और जेल में चौधरी देवीलाल थे। ये चार घटक दलों की पार्टी बनी थी, इसमें जनसंघ था, राष्ट्रीय लोकदल था और इसी के साथ सोशलिस्ट और समाजवादी पार्टी के लोगों ने इकट्ठे होकर के जनता पार्टी बनाई थी। और जनता पार्टी के तौर से मुख्य रूप में नेता चौधरी देवीलाल थे, जिन्होंने बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ी थी। सारे विरोधी जब एक हुए तो वही हुआ जिसका संजय गांधी को अंदेशा था। 1977 में हुए आम चुनावों में जनता पार्टी की भारी जीत हुई और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी पार्टी सत्ता में आई। जनता पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन इसके बनते ही इसमें सत्ता के तीन अलग अलग केंद्र बन गए। एक तरफ थे चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों और जाटों का नेता माना जाता था, तो दूसरी तरफ थे बाबू जगजीवन राम। ये भी एक